Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दिल्ली में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का तो कहीं से कोई मतलब नहीं है, वो खुद अपनी विधानसभा हार चुके हैं, उनको लाके उप मुख्यमंत्री बनाया गया और योगी जी प्रदेश के सबसे पॉपुलरफुल नेता हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय वो ऑल ओवर इंडिया के। हम लोग को योगी के सिवा कोई नहीं चाहिए, योगी चाहिए हमको। आखिर में केशव प्रसाद मौर्य भूपेंद्र चौधरी क्यों दिल्ली के चक्कर लगा? अरे वो चक्कर लगाते रहे, अगर वो लोग आ जाएंगे तो खत्म। सरकार बड़ी है या फिर संगठन? यूपी के डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद अंतर्कलह यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलकर सामने आ गया है। आखिर इस अंतर्कलह की वजह क्या है? बनारस में हम जुटे हुए इस पान के दुकान पर तमाम बनारसियों से बात करेंगे और ख़ास तौर से जो राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अंतर्कलह चल रहा है उसके पीछे वजह क्या है। अपना नाम देखिए, काशी की जनता और मेरा ख्याल है कि पूरे देश की जनता, दिल्ली में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और बाकी जो लोग क्या कर रहे हैं, उनका अंतर्कलह चल रहा है, इसका आम जन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन इसलिए लेना देना है क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, इस अंतर्कलह का फायदा उठा के अब कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन चलाया जाना चाहिए वो चीज़ दिख नहीं रही है, जनता कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगत रही है। निसंदेह आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अधिकारी बेलगाम है, लेकिन मेरा मानना है कि कई मोर्चों पे आप देखिए योगी सरकार ने 100% रिजल्ट दिए हैं। रही बात नौकरशाही की, तो आप अगर रोज इनको परेशान करेंगे, मेरा मानना है कि 400 प्लस आता लोकसभा में भी, अगर भाजपा शीर्ष नेतृत्व तो ये कहता कि नहीं, चुनाव को उदाहरण उठाता कि चुनाव के बाद योगी जी हटाए जाएंगे, अगर इसका खंडन आता कि नहीं योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश लोकसभा का, तो नतीजे कुछ और होते। और रही बात कि अधिकारी बेलगाम है, तो ये योगी जी से हम लोग की उम्मीदें हैं कि वो उसको ठीक करेंगे। योगी के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता समझौता करने के मूड में नहीं है। क्या लग रहा है, जो सीटें कम हुई हैं 80 सीटों में सिर्फ 29 सीटें, क्या लग रहा है उसके पीछे क्या कारण है? बनारस की जनता क्या मान रही है? फ्री हैंड योगी जी को छोड़ दो कारण थे देखिए कम सीटें आने के मेरी नज़र में। एक तो जो हुआ कि विपक्ष ने कहा कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका कोई काउंटर नहीं आया, पहला। दूसरा कि योगी जी हटाए जाएंगे, तो भोलेनाथ बैठे हैं, ये उसी का रिजल्ट है। मोदी जी को फ्री हैंड कर दीजिए, पत्ता नहीं खड़केगा। इतने साल से हैं, न कोई चारित्रिक आरोप लगा, न रुपए पैसे का आरोप लगा, कोई बता दे। बाकी पूर्व के लोगों को आप जानते हैं, इतने दिन तो हक मुद बराबर कर दिए होते हैं। बात ये भी कहा जा रही है कि आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन नहीं हुआ, इस वजह से क्या सीटें कम आई हैं? क्या ये विपक्ष ने हुआ बनाया है? किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं कि आरक्षण को छेड़छाड़ करे, आरक्षण को छुए, आरक्षण की तरफ देखे किसी की हैसियत नहीं है, नहीं है। ये विपक्ष मुख्य मुद्दा बनाता है, सरकार की तरफ से उसका क्लियरेंस नहीं आता, बस इतना है। ठीक है, तो बनारस में ये व्यापारी नेता संदीप जी हैं, ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, उनकी सरकार के साथ हैं, लेकिन भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की क्या स्थिति है? बनारस के काशीवासी क्या इनका पॉलिटिकल स्टैंड मान रहे हैं? और क्योंकि ये लोग अभी दिल्ली भी होके आए हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। केशव प्रसाद मौर्य का तो कहीं से कोई मतलब नहीं है, वो खुद अपनी विधानसभा हार चुके हैं, उनको लाके उप मुख्यमंत्री बनाया गया और योगी जी प्रदेश के सबसे पॉपुलरफुल नेता हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय वो ऑल ओवर इंडिया के, हर प्रदेश उनको मानता है कि योगी चाहिए, मेरे को योगी चाहिए। योगी का कोई विकल्प नहीं है, योगी ही रहेंगे। काशीवासियों की पूरी मांग है कि योगी रहेंगे। और ये जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, भाजपा नेतृत्व से मेरा निवेदन है कि इसको समाप्त करें, क्योंकि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को फेस करना पड़ता है, हर जगह बात करनी पड़ती है, तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दिक्कत की बात है। क्या लग रहा है, जो अभी सीटें कम आई उसकी वजह आप लोग क्या मान रहे हैं? उसकी सबसे ज़्यादा अंतर्कलह की देन है।
जब चुनाव के पहले ही शुरू, वो चुनाव के पहले 6 महीने से चल रहा है ये अंतर कलह ही ले डूबा। संगठन ने ढंग से काम नहीं किया। अगर संगठन ढंग से काम करते तो भाजपा जरूर 70+ आती, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा जरूर 70+ आती बताया जा रहा है, लेकिन जो सीटें हैं वो बिल्कुल कम आई हैं, और इसको लेके एक कहा जा रहा है कि अंतर कलह एक बड़ी वजह है। हमारे साथ पान विक्रेता भी हैं, इनसे बात करते हैं। सबकी राय होनी चाहिए, सबकी भागीदारी इसमें चौपाल में होनी जरूरी है। जी अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम है ज्ञानेंद्र चौरसिया। क्या लग रहा है ज्ञानेंद्र जी, काशीवासी होने के नाते आपके यहाँ तो अड़ी भी जमती है, पान खाने वाले लोग आते हैं, मंथन होता है राजनीति पे, क्या लग रहा है आखिर ये जो अभी सीटें कमाई उसके पीछे क्या कारण लग रहा है? वजह है कि कन्वेंशनिंग कायदे से लोग किए नहीं, जो यहाँ के छोटे नेता लोग हैं वो कहीं गए नहीं। उसके बाद हम लोग को पर्ची मिलती रही, इस पर किसी घर पर्ची नहीं गया, वोटर लिस्ट से नाम गायब है, बहुत से नामे गायब हैं, और यही सब वजह है कि भाजपा इतनी सीट जो हारी है, बस छोटे जो नेता जो हैं वो उनके वजह से ये हारे हैं। नेता भूपेन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कहेंगे कि हम लोग को योगी के सिवा कोई नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री हमें मोदी योगी सीएम हमारे सबसे बेस्ट हैं। आज अपराध जो है योगी जी पूरा लगाम लगाए हुए हैं। अब कोई ऐसी, हम लोग इतना दिन से हैं, अब कोई भी जब से योगी जी आए हैं कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बनारस के वो आम लोग हैं जो बता रहे हैं, पान विक्रेता से लेके जो छोटे व्यापारी हैं वो सारे कुछ बता रहे हैं। क्या लग रहा है, किसके साथ हैं आप लोग? हम लोग योगी जी के साथ हैं। अब योगी जी और मोदी जी के हम लोग साथ में हैं एकदम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक तरह से दावा करने आ गए हैं, भूपेन चौधरी भी जा रहे हैं दिल्ली, तो वो कहाँ पे कहाँ तक वो फाइट कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं हमको देखिए, योगी जी और मोदी जी से हमसे प्रेम है बस। कोई टक्कर दे सकता है यूपी में योगी जी को? कोई टक्कर नहीं है उनके खिलाफ, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। तो तमाम लोग हैं जिनका साफ कहना है कि वो काशी की जनता योगी जी के साथ दिखाई पड़ रही है। और हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, पान की दुकान पे जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं। पान जम रहा है? हाँ जम रहा है पान, लेकिन सरकार तो जमती भी नहीं दिखाई दे रही है, सरकार तो हिलती दुलती दिखाई दे रही है। हिलती दुलती वो दिखाई दे रही है कि आपस में भेद है, क्यों? आपस में मतभेद है। लोग कह रहे थे कि योगी चले जाएंगे, योगी के उत्तर प्रदेश में जरूरत है, योगी चाहिए हमको। तो आखिर में केशव प्रसाद मौर्य भूपेन चौधरी क्यों दिल्ली के चक्कर लगा? अरे वो चक्कर लगाते रहे, अगर वो लोग आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा बीजेपी भी। अभी उपचुनाव भी होने हैं। हाँ अगर होना है तो जब भी आएंगे योगी आएंगे, हम लोग योगी के पक्ष में हैं। केशव प्रसाद मौर्य की क्या पोजीशन है अभी? एकदम खराब, कोई जानता भी नहीं है। पर भूपेन चौधरी भी दिल्ली ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, आए जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगी नहीं। सीटें क्यों कम आ गई है चुनाव में? सीटें कम आया तो इसका यह था समझा कान में उत्तर प्रदेश में समझा ये सब लोग एक अफवाह कि योगी हट जाएंगे इलेक्शन के बाद, अगर समझे बीजेपी का 272 आया तो योगी हट जाएंगे, इसके सब समझा कान में खिलाफ थे। एक ये भी कहा जा रहा है जो निजी नौकरियां हैं आउटसोर्सिंग के जरिए जो भर्तियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, एक ये भी वजह है ये सीटें कम है। ये भी वजह है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इसका भी है वजह, लेकिन मेन वजह ये है कि योगी का मेन समझा मुद्दा था कि योगी का हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग खुश नहीं थे। ठीक है तो चलिए और पूछते हैं, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य भूपेन चौधरी किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? योगी। क्यों योगी? योगी उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं और किसी के बस का नहीं है, योगी ही समझ लिए। अगर प्रदेश को बढ़ाना है तो योगी की जरूरत है। इस तरह अंदरूनी कलह क्यों हो रहा है आखिर? अंदरूनी कलह खाली वर्चस्व की लड़ाई है और योगी को ही चाहिए इस समय उत्तर प्रदेश को अगर संभाल सकता है, नहीं तो आने वाले समय में सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा होंगे। योगी से लोगों को डर है और अगर ये योगी नहीं रहेंगे तो ये समझ लीजिए मुस्लिम समाज हिंदुओं को जीने भी नहीं देगा एकदम। ये तो एकदम से आप अलग बात करना लगे। नहीं एकदम वही है ही। इस समय देश की स्थिति जो इस समय माहौल चल रहा है, मुहर्रम का माहौल चल रहा है, मुहर्रम में फिलिस्पीन का झंडा लेकर चलना क्या है,
ये अपने को ये सब किसकी वजह से संभला है, आप क्या कहना चाहते? सब ये समझ लिए ओबीसी जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, ये लोग जो मुस्लिम समाज को जो बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस है, ये तुष्टिकरण की राजनीति हिंदुस्तान को किस ओर हम लोग तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये माहौल किस ढंग से मोड़ेंगे। ये नियंत्रण में किसकी वजह से है? ये योगी की वजह से उत्तर प्रदेश एकदम फुल नियंत्रण में है, और योगी ही तो आखिर केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन चौधरी दिल्ली जा रहे हैं कर सकते हैं। देखिए ये लोग अन्य पार्टियों से आए हुए हैं, और ये योगी आदित्यनाथ ये कट्टर हिंदू मतलब हिंदू समाज को लेकर चल रहे हैं, और इस समय जब अगर हमको अगर पूरा हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो योगी जैसा मुख्यमंत्री जरूरी है। आखिर में सब कुछ अच्छा था, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी थी, तो इनको सीटें ज्यादा ला के दिखानी चाहिए थी ना ये यूपी में। कार्यकर्ताओं की जो अवहेलना किए हैं और कम वोट प्रतिशत कम वोट पड़ा उसके बाद की अवहेलना, इसका वोटर लिस्ट नाम कटना, हिंदुओं का इतना वोटर लिस्ट में नाम कटा है, हम लोग को तो अंदाजा था कि मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीतेंगे उत्तर प्रदेश में मतलब वाराणसी में। इसमें योगी जी की कोई कमी नहीं है? योगी जी की कोई कमी नहीं थी, यहाँ जो वोटर लिस्ट से नाम कटे और उसके बाद जो भ्रमाक फैलाया गया आरक्षण का मुद्दा, तो ये तो वो क्या कह रहे हैं हम लोग, जमीनी हकीकत जाने नहीं, योगी जी भी हकीकत यहाँ अंडर कलह बहुत था, योगी जी का अंडर लोग विरोध कर रहे थे, यही वजह है कि भाजपा को सीट कम आई है, और कोई बात नहीं। यहाँ पर लोग अंतर कलह में आपस में कि कुछ लोग मौर्या जी के संग है, कुछ लोग योगी जी के संग है, यहाँ भी बनारस में भी ऐसी स्थिति, बनारस में भी ऐसा ही है कि कुछ लोग उनका पक्ष लेते हैं, लेकिन जो है सब यही है कि यहाँ अंतर कलह वजह से ही सीट कम आई है। क्या लग रहा है आपको भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम अजय कुमार कसेरा है। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ भूपेन चौधरी की केशव प्रसाद मौर्य? हमारे हिसाब से तो आदित्य योगी नाथ होना चाहिए, और वो मुख्यमंत्री रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और बनारस के लिए वही एकदम फिट है। तो आखिर ये जो अंदर कलह चल रही है क्यों हो रही है, स्थिति नौबत क्यों आ गई? ये अब वो लोग का आपस का मामला है, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से आदित्य योगी नाथ जो है ठीक है, योगी आदित्यनाथ ठीक कर रहे हैं, सरकार अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अभी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। भूपेन चौधरी जी, क्या नाम है गुरुजी? राहुल कुमार शर्मा नाम है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की जनता को भी एकदम सुखी जो है रखे हुए हैं, उनसे कोई किसी को भी शिकायत नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। आखिर क्यों ये अंतरकला पनपा है? इसकी तो जानकारी हमको नहीं, जो ये मीडिया वाले, ये हमारे जो सदस्य हैं, ये मेन हैं पप्पू जी हमारे पान वाले इसकी जानकारी आपको बहुत खास इन्होंने जो दिया है, बहुत सही जानकारी दिया है इस सब की जानकारी, लेकिन योगी जी जो है योगी जी हैं, और बाकी तो हमें अभी तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसी के आगे उनके आगे कोई समझ में नहीं आता कि कौन बढ़िया है, लेकिन योगी जी हैं भैया। आपको पान लगा दीजिए। तो ये है बनारस की वो जनता जो न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में खुश है और पूरी तरह से खड़े होने की भी बात कर रही है, और साथ ही साथ जो चेहरे नए निकल कर आ रहे हैं सीएम कुर्सी के लिए या नई नई बातें कर रहे हैं और दिल्ली तक के चक्कर लगा रहे हैं, फिलहाल जनता उनसे इत्तफाक रखती नज़र, बनारस की जनता उनसे कहीं भी इत्तफाक नज़र रखती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।